नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार का फैसला, एनआरसी की सूची में नाम वाले लोगों के बच्चों को नहीं भेजेंगे डिटेंशन सेंटर। भाजपा को बिहार बंगाल की चिंता, नीतीश से मोल भाव की स्थिति नहीं, सिर्फ 16 राज्यों में बची। दिल्ली चुनाव में हार से और मुश्किल हुई कांग्रेस की राहें, ज्यादातर राज्यों में तीसरे नंबर की पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव पर जानलेवा हमला, एक कार्यकर्ता की मौत। सीबीआई ने राकेश अस्थाना को दी क्लीन चिट, आलोक वर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। चीन में कोरोना वायरस के संकट से कई भारतीय उद्योग बंद होने की कगार पर। भारत दौरे को लेकर काफी उत्सुक है ट्रंप, पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त और इंसान। मध्य प्रदेश में उर्दू की बुकलेट से सीएए और एनआरसी पर मुस्लिमों का भ्रम दूर करेगी भाजपा। जम्मू में आग लगने के बाद इमारत गिरी, 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका। अखिलेश ने कहा चुनाव के नतीजे शांति व विकास के लिए शुभ संकेत। अब रुक करते हैं खेल जगत की कुछ बड़ी खबरों पर। भारतीय महिला रेसलर साक्षी मलिक ने फिर से की ट्रायल की मांग। 0-3 से सीरीज गंवाने के बाद कोहली बोले हम जीत के हकदार नहीं थे। युवराज सिंह बोले भारत पाकिस्तान सीरीज से क्रिकेट का होगा भला। पादुकोण पर भड़के गोपीचंद बोले साइना को मेरी एकेडमी छोड़ने को उकसाया था। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की कुछ खबरों पर। लैक्मे फैशन वीक में विकी कौशल और जानवी कपूर ने किया रिलायंस ट्रेंड्स के लिए रैंप वॉक। दिल्ली इलेक्शन में आपकी जीत के बाद विशाल ददनानी का ट्वीट, मेहनत और सच्चाई की जीत। अदनान सामी ने लॉन्च किया नया गाना, भूषण कुमार बोले तेरा चेहरा को करना चाहता हूँ रीस्क्रिप्ट। दिशा पाटनी के वर्क ऑफ वीडियो पर टाइगर श्रॉफ ने किया कमेंट, जमकर हो रहा वायरल। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।